जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। आज हम अपने पहले 15 दिन के सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो पीआईबी ने कवर की थी, बिकॉज मैं यहाँ पर सारी पीआईबी की न्यूज कवर करता हूँ। पीआईबी के अलावा आपको शॉर्ट्स या फिर दूसरे सेशन में हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। एंड आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पर भी मिले एंड पर्सनल मैसेज में मिले कि सर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालना स्टार्ट कर दीजिए, सो डैट हमारा डेली हमें पता लग सके कि कौन सी न्यूज यहाँ पे न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कहीं पर भी चल रही है। ऑल्दो शॉर्ट्स के थ्रू मैं हर रोज कवर कर देता हूँ, बट स्टिल 15th ऑफ अक्टूबर के बाद हम यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डालना स्टार्ट करते हैं, सो डैट आपको हर रोज रिवाइज हो जाए जो भी न्यूज़पेपर में चल रहा है। तो आज हम पहले 15 दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सितंबर के, वो भी खाली पीआईबी के जो अभी आपके पास यहाँ पर पीआईबी पे आ रखे हैं। नाउ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न्यूज में था, क्यों था? इसकी 7th फाउंडेशन डे था इसका, 1st ऑफ सितंबर को ही था। आप देखते हैं पीआईबी पे, सीएपीएफ में, या फिर इवन आप एनडीए में ले लीजिए या सीडीएस में ले लीजिए, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पीआईबी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब ये इंडियन पेमेंट बैंक आपका कौन सा पार्ट कनेक्ट हो गया? इकोनॉमिक्स का पार्ट कनेक्ट हो गया। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड कम्युनिकेशन। 100% इक्विटी जो है यहाँ पे किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके अंतर्गत है, दैट इज IPPB। इक्विटी ये सब कुछ क्या है आप इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन September 1, 2018, तो इसकी 7th फाउंडेशन डे इस बार था। Now, ये बैंक क्यों एस्टैब्लिश करे गए थे? सो डैट यहाँ पर ये इजीली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, एक ट्रस्टेबल हो एंड कॉमन मैन का इसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर और इंक्रीज हो। द फंडामेंटल मैंडेट क्या था इसका? कि यहाँ पे जो अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड है उनका बैरियर्स को रिमूव करना, ये सबसे यहाँ पर फंडामेंटल मैंडेट यहाँ पर काम था IPPB का। तो आपको डेट याद रहे, ठीक है, उसके बाद 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये आपको याद रहे। इसके बाद आपको ये पता रहे 7th फाउंडेशन डे पर सेलिब्रेट किया गया अंडरबैंक और अनबैंक इसका बैरियर्स को रिमूव करने के लिए। नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाती है अब बायलेटरल एक्सरसाइज। 22nd एडिशन है इस बार इंडिया और फ्रांस का बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा, जो कि कहां पर हुई? मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज इस महीने हुई है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली मालाबार चल रही है अक्टूबर में। इंडियन नेवी फ्रंटलाइन स्टेल्थ फ्रिगेट INS तबर कमांडेड बाय कैप्टन MR हरीश रिसेंटली विजिटेड फ्रांस एंड लेटर ऑन अपॉन द डिपार्चर पार्टिसिपेटेड इन 22nd एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलेटरल एक्सरसाइज वरुणा। तो एक्सरसाइज का नाम याद रहे, कहां पर हो रही है वो याद रहे, कौन सी दो कंट्रीज है यहाँ पे वो याद रहे, इंडिया और फ्रांस के बीच में। जो बायलेटरल एक्सरसाइज है यहाँ पर इज अ बैकबोन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। 2001 में ये स्टार्ट हुई थी, दोनों कंट्रीज के बीच में कैमरेडरी, यहाँ पर फोर्सेस के बीच में कैमरेडरी को इंक्रीज करती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करती है एंड इसके अलावा जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पर एक्सचेंज किए जाते हैं दो फोर्सेस के बीच में। हर एक एक्सरसाइज में आपको ये देखने को मिलेगा, ये कॉमन से वर्ड्स हैं। तो इन शॉर्ट आपको कंट्री याद रहे, एडिशन याद रहे एंड यहाँ पर कौन सी जगह हो रही है एंड ये बायलेटरल है या मल्टीलेटरल है ये आपको पता हो। जैसे अभी मालाबार एक्सरसाइज चल रही है जो कि इनिशियली बायलेटरल स्टार्ट हुई थी एंड बाद में यहाँ पर मल्टीलेटरल यहाँ पर हुआ, मल्टीनेशनल रेदर, चार कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इंडिया और USA की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी युद्ध अभ्यास 2024। इसका 20वां एडिशन था इस बार, ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज का कहां पर हो रही है? राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। युद्ध अभ्यास 2004 में स्टार्ट हुई थी एंड ये एनुअली होती है, ये आपको पता हो, एनुअली होगी अल्टरनेटिंगली बिटवीन इंडिया एंड USA, एक बार इंडिया में होगी एक बार USA में। लास्ट टाइम जो इसका 19th एडिशन था वो USA में था एंड 20th एडिशन इस बार राजस्थान में कंडक्ट करवाया जा रहा है। नाउ युद्ध अभ्यास एज यूजुअल मैंने आपको बताया हर एक एक्सरसाइज में आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगी कि दोनों साइड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे शेयर करेंगी, टेक्निक्स को शेयर करेंगी, सो दैट ज्वाइंट ऑपरेशन में
जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है कंडक्ट करने का वो सब शेयर किया जाएगा। दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे कैमरेडरी इंक्रीज होगी, दोनों आर्मीज के बीच में जो भी यहाँ पे फोर्सेस आ रही है, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया अगेंस्ट द एमपॉक्स। ठीक है, एमपॉक्स ऑल दो अभी तक कोई ऐसा मेजर केस इंडिया में नहीं आया है, बट स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एमपॉक्स के सिम्टम्स दिए थे। यहाँ पे हेडेक, फीवर, एग्जॉशन, ठीक है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, मसल एंड बैक एक, उसके बाद हम देख रहे हैं चिल्स। तो ये सब आपको पास देख रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं। एमपॉक्स जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए साइंस परस्पेक्टिव से। इट इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज विद द सिम्टम्स सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स दो लेस सेवियर। स्मॉल पॉक्स की तरह है मंकी पॉक्स, बट थोड़ा सा सेवियर इसमें कम है। इट टिपिकली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन विद इन 2 to 4 weeks। ठीक है, 2 से 4 वीक के अंदर टिपिकली ये रिजॉल्व हो जाता है अपने आप ही। अब इसके लिए इंडिया अगेंस्ट एमपॉक्स क्या क्या है, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया है इसका। ठीक है, विच इज अ टाइम फॉर इन्फेक्शन टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, टिपिकली 6 से 13 दिन। ठीक है, उसके बाद प्रोड्रोम फेस आएगा इसका, इसके बाद जिसमें फीवर, मसल, बॉडी एक, ये सब देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, ये थर्ड इसका स्टेज आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये न्यूज वैसे भी आपको पता होना चाहिए, नॉट फॉर द एग्जाम, कि आपके अराउंड सराउंडिंग में कौन सी डिजीज चल रही है एंड आपको कौन कौन सी यहाँ पे सिम्टम्स आ सकते हैं एंड आपको किस तरीके से उसको क्योर करना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अगेंस्ट इसके एक्शन लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी टू रिव्यू फॉर द एमपॉक्स एंड द पब्लिक हेल्थ मेजर्स 18 अगस्त को। उसके बाद एक जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी बनी गई। उसके बाद हम देखते हैं एनसीडीसी कन्वेंड अ मीटिंग ऑन अक्टूबर 12। उसके बाद डीजीएचएस ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी सो डेट एमपॉक्स रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है वो फैलाई जाए एंड लोगों को पता लगे कि कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं एंड किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज इलेक्शन कमीशन अनाउंस दिस पैरा ओलंपियन राकेश कुमार एज ईसीआई नेशनल आइकन फॉर PWDs। ठीक है, एफ कैट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल आइकन किसको बनाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्बेसडर कई बार बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं किसी चीज का, तो ये आपको पता हो। नाउ पैरा ओलंपिक आर्चरी चैंपियन शीतल देवी एंड श्री राकेश कुमार टू इंस्पायर वोटर्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पे शीतल देवी एंड हर मिक्स्ड डबल पार्टनर श्री राकेश कुमार, उनको जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था पैरालंपिक जो 2024 अभी पेरिस में चल रहे थे, तो वहीं पर इसी कारण यहाँ पर देखते हैं कि इंस्पायर करने के लिए जो भी डिसेबिलिटी से यहाँ पर पर्सन हैं उनको इंस्पायर करने के लिए यहाँ पर नेशनल आइकन बनाया गया है राकेश कुमार जी को। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ओमान में शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत हुई है सेप्टेम्बर के मंथ में। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम ऑलमोस्ट फेब में आने वाला है एफकैट का, तो आपको ये एक्सरसाइज पता हो। इंडियन एयरफोर्स का कॉन्टिजेंट था जिसमें MiG-29, जैगुआर, C-17 पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो कि ओमान में है। ये 7th एडिशन है जो 11 से 22 सितंबर तक होना है एयरफोर्स बेस दैट इज मसीरा ओमान के बीच में। तो ये पता हो आपको एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, युद्ध अभ्यास आर्मी की आई। ठीक है, वरुणा में आप देख रहे हैं कि नेवी पार्टिसिपेट कर रही है एंड ईस्टर्न ब्रिज में आप देख रहे हैं ओमान में यहाँ पे कौन आ रहा है, एयरफोर्स आ रहा है। बायलेटरल एक्सरसाइज है, दो कंट्रीज के बीच में है, रॉयल ओमान एयरफोर्स होगी और इंडियन एयरफोर्स होगी। एज यूजुअल सेम, बाकी सारी चीजें सेम होंगी यहाँ पे कि दोनों कंट्रीज में बेस्ट जो भी टेक्निक्स होंगी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जितनी भी यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो शेयर की जाएंगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऐप आती है, दैट इज रंगीन ऐप। यहाँ पे फिशरी मिनिस्ट्री, यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, यहाँ पे उन्होंने लॉन्च करी दैट इज दिस रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन। कहाँ पर? ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के अंतर्गत। ठीक है, रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन जो है प्रोवाइड क्या कर रही है, नाम से पता लग रहा है रंगीन मछली। इट इज अ मल्टी लिंगुअल, सबसे पहले तो मल्टीपल लैंग्वेजेस होंगी, जो यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगी 8 लैंग्वेज में, सो डैट ये वाइड ऑडियंस के पास जा सके और वो इसको एक्सेस कर सके। तो रंगीन मछली ऐप एक मल्टी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन ऐप होगी जो यहाँ पे ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी ऑलमोस्ट 8 इंडियन लैंग्वेजेस में।
इसको डेवलप किसने किया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईसीएआर सीआईएफए, जिसको सपोर्ट मिला गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड इसको इसलिए डिजाइन किया गया है सो डैट जितने भी ऑर्नामेंटल फिश फिशरी के सेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे उनके लिए क्रूशियल नॉलेज रिसोर्सेज चाहिए शॉप ऑनर्स के लिए, फिश फार्मर्स के लिए, उन सब की डिमांड्स को मीट करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। दैट इज रंगीन मछली एप्लीकेशन। अब सितंबर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है उसका नाम चेंज किया गया पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम, ठीक है। एंड जितने भी ये कॉलोनियल चीजें चल रही थी, आपको पता है लगातार डीकोलोनाइजेशन की तरफ यहाँ पे चल रही है भारत सरकार। इट ऑनर्स द रिच हेरिटेज एंड हीरोइक पीपल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। आप नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट देख रहे हैं, द नेम श्री विजयपुरम ऑनर्स द रिच हेरिटेज हिस्ट्री एंड हीरोइक पीपल ऑफ अंडमान निकोबार। इट रिफ्लेक्ट आर कमिटमेंट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट से लगातार हम आगे जा रहे हैं एंड इसके बाद अब नाम चेंज कर दिया है श्री विजयपुरम। अमित जी की ट्वीट थी, बिकॉज आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी है, डेट मीन्स यहाँ पर एमएचए की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अब पोर्ट ब्लेयर थे कौन? लेफ्टिनेंट ब्लेयर ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे जिन्होंने रॉयल नेवी में पार्टिसिपेट किया था 18th सेंचुरी में। ब्लेयर्स करियर वाज मार्क्ड बाय सीरीज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एफर्ट्स, ठीक है। ये पता हो बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको कि पोर्ट ब्लेयर थे कौन, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज आपसे पूछी जा सकती है। एमएचए का इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी है। टाइफून यागी, टाइफून्स लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज में चल रहे थे सितंबर में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एचएडीआर ऑपरेशन करा गया म्यांमार में। किसने करा? इंडियन नेवी ने करा, बिकॉज वहां पे फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे थे हमें। किसके कारण? टाइफून यागी, जो कि ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द साउथ चाइना सी, ठीक है। टाइफून सेम नाम जिसको हरिकेन भी कहा जाता है, हरिकेन हिल्टन अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ट्रॉपिकस में यहाँ पे इसको साइक्लोन भी बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में इसको विली विली के नाम से भी जाना जाता है। ऑल आर द सेम नेम, टाइफून हरिकेन कह लीजिए आप इसे, आप इसे इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन कह लीजिए, विली विली कह लीजिए, ठीक है, टाइगू टाइफू कह लीजिए इसे, ठीक है, सारे नाम सेम है। ओके नाउ भास्कर, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप उठाया है भारत सरकार ने, एंड यहाँ पर भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री एक इनिशिएटिव लिया गया है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। यहाँ पे आपको पता है भारत सरकार ने यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद ही स्टेप उठा लिया था कि स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, टू सेंट्रलाइज स्ट्रीमलाइन एंड कोलेबरेशन अमंग द की स्टेक होल्डर्स एंड एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स सर्विस प्रोवाइडर्स गवर्नमेंट बॉडीज। जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनमें जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज इन्वॉल्व है, इन सबके बीच में यहाँ पर कोलैबोरेशन अच्छे तरीके से रहे। यहाँ तो एक यहाँ पर ऐप डिजाइन करी है, दैट इज कॉल्ड अब भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है। आप देख रहे हैं भास्कर योर गेटवे टू द इनोवेशन, कनेक्ट कोलेबरेट एंड थ्रिव इन द इंडिया स्टार्टअप। नाउ जो प्राइमरी गोल है यहाँ पर इसका वो है क्या? टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक डिजिटल रजिस्ट्री होगी। नंबर वन, अब कौन कौन से इसके फीचर्स हैं? नेटवर्किंग एंड कोलेबोरेशन। भास्कर ब्रिज यहाँ पर जो गैप है स्टार्टअप्स का, इन्वेस्टर्स का और जो स्टेक होल्डर्स का है, उनके बीच में एक सीमलेस इंटरेक्शन हो, ठीक है, आराम से हो, उसको यहाँ पे ये भरेगा, दैट इज द नेटवर्किंग एंड कोलेबोरेशन। नंबर टू, ये सेंट्रलाइज एक्सेस देगा जितने भी रिसोर्सेज हैं, इट विल प्रोवाइड स्टार्टअप विद द एक्सेस टू टूल्स एंड नॉलेज सो डेट वो फास्टर डिसीजन मेकिंग करे, एफिशिएंट स्केलिंग करे। तो स्टार्टअप जितने भी जो भी स्टार्टअप खोल रहा है उसके पास सारा एक्सेस होगा इजिली, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सेस हैं यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर पाएगा भारत इसके थ्रू, भास्कर के थ्रू। नंबर थ्री, क्रिएटिंग पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, हर एक स्टेक होल्डर को एक आईडी दी जाएगी यहाँ पे सो डेट इंश्योर किया जाए पर्सनलाइज इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। डिस्कवरेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा ये थ्रू पावरफुल सर्च फीचर्स, यूजर कैन लोकेट रेलेवेंट रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस, ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स होंगे। तो ये पहले 15 सितंबर, 1 सितंबर से 15 सितंबर के करंट अफेयर्स थे, एंड इन करंट अफेयर्स का सोर्स खाली एंड खाली पीआईबी है। इसके अलावा
जो भी करंट अफेयर्स है वो हम शॉर्ट्स के थ्रू या फिर डेली सेशंस के थ्रू कर देते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको सेशन में स्टार्टिंग में बताया कि अब 15 अक्टूबर के बाद हम डेली बेसिस पे जो भी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज होगी हमारे डिफेंस वाले एग्जाम के लिए या जो भी करंट अफेयर हमारा इंपॉर्टेंट होगा हम डेली बेसिस पे उस करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देंगे। ये खाली फर्स्ट 15 ऑफ अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स थे तब तक की सीरीज यहाँ पर होगी। नेक्स्ट सेशन आएगा आपके पास 16 से 30 सितंबर का, उसके बाद 1 से 15 ऑफ अक्टूबर का, एंड आफ्टर 15 ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके पास डेली करंट अफेयर्स की सीरीज हम स्टार्ट करने जाएंगे। बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे मैसेजेस भी आए टेलीग्राम पे कि सर आप डेली डालिए सो डैट हम हर रोज उसको रिवाइज कर सके। आज थोड़ी सी मेरी तबियत खराब थी तो सॉरी फॉर डैट, तो बीच में आपको हल्की हल्की डिस्टर्बेंस भी हुई होगी बिकॉज इसमें मुझे कोल्ड एंड कफ थोड़ा चल रहा है। तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जो भी बच्चे एफकेट 2025, एनडीए 2025 या सीडीएस के लिए इनरोल करना चाहते हैं वो हमें चैनल पे नंबर भी दिया हुआ है 6239847978 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बहुत ही अफोर्डेबल फीस के अंतर्गत हम यहाँ पर बैचेस चला रहे हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।